नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचा सिंह। हर चुनाव में ईवीएम का मुद्दा ना उठे, ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं इस बार भी लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षियों ने ईवीएम का मुद्दा जमकर उठाया, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो ये मुद्दा गायब सा हो गया। हालांकि बीच बीच में नेताओं ने इस पर सवाल जरूर उठाए। जो मुद्दा अचानक गायब सा हो गया था वो फिर से सुर्खियों में आता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि ईवीएम से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र बायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा हुआ था। एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत सिर्फ 48 वोट से हुई है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भी इसी घटना का जिक्र किया है। राहुल गांधी ने दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क की एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक अखबार का हवाला देते हुए कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। वहीं विपक्षी नेताओं के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता। ईवीएम डिवाइस किसी से कनेक्ट नहीं रहता। अखबार द्वारा पूरी तरीके से ये खबर गलत चलाई गई है। ईवीएम स्टैंड अलोन सिस्टम है, खबर पूरी तरीके से गलत है। हमने पेपर को नोटिस इशू किया है। अब आपको बता दें कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर ने सिर्फ 48 वोटों से जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जीत का ये सबसे छोटा मार्जिन है, जिसके बाद से ईवीएम को लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।